हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू लर्निंग नीड। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में टीजीटी एग्जाम जो होने वाले हैं आपके, तो उसमें इंग्लिश के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट इसलिए है ताकि आप क्वेश्चन के एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड को समझ पाएँ, क्योंकि स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रहा है। बहुत लोगों को ये क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि स्टैंडर्ड कैसा आता है क्वेश्चन का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रॉपर यहाँ पे 125 क्वेश्चन हैं, एक दो नहीं 125 क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हुए क्वेश्चन का कलेक्शन है, एक भी क्वेश्चन कोई इधर उधर से अपने मन से इसमें डाला नहीं है। कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर के पेपर से कलेक्ट किए हुए क्वेश्चन हैं, तो इसमें एग्जैक्ट आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि स्टैंडर्ड बहुत हाई है या स्टैंडर्ड बहुत लो है, जो एग्ज़ाम में आता है वही स्टैंडर्ड है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कितनी आपकी तैयारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मॉक टेस्ट 125 क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके सीरीज़ में चलेंगे, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस करके आपके कंप्लीट होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस अलग से होगी, क्योंकि उसमें आपको पूरा पैसेज पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता। अभी हम उसके आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस अलग से होगी अनसीन पैसेज की। तो यहाँ पे आ जाते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे सीधे से। आप अपने मार्क्स काउंट करते चलिएगा, जो भी आपका सही होगा उसका, और कमेंट करके बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अ ब्लैंक सोल्जर फाइट्स फॉर द शेक ऑफ मनी। यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आपको सही आंसर गेस करना है। गेस क्या करना है, आपको तैयारी रखनी है इसकी अपनी अब अच्छे से। एंड वन मोर थिंग कि वहाँ पर कोई भी आपको ये इसकी हिंदी नहीं बताता है एग्ज़ाम में, तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। आप आंसर गेस करिए, देन आई विल टेल। तो देख लीजिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मर्सेनरी। मर्सेनरी मीन्स होता है भाड़े का, किराए का। तो किराए का जो सोल्जर होता है वो मनी के लिए, जाहिर सी बात है किराए का इंसान मनी के लिए ही वर्क करेगा। फिर आपका इसकी भी मैं मीनिंग्स बता देती हूँ यहाँ पे आपका प्रैक्टिस के ही टाइम पे, कि देखिए मटेरियलिस्टिक मतलब एक्चुअली होता है भौतिकवादी, है ना, मटेरियल वर्ड से ही समझ में आता है। फिर पायोनियर मतलब आपका होता है अग्रणी, है ना, या फिर प्रथम अन्वेषक, जो कोई भी काम फर्स्ट टाइम करता है, सबसे पहले करता है। फिर आपका वेटरन मतलब होता है वयोवृद्ध, जिसको आप कह सकते हैं, एंड दिस इज़ भाड़े का। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। द रोड टू हेल इज़ ब्लैंक विद गुड इंटेंशंस। ये आपके जो प्रोवर्ब्स होते हैं ना, कहावतें जिसको कहते हैं, वो उसी में से आते हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम में ऐसे ही आते हैं उसी में से। तो अगर कोई और भी वर्ड उस पर सेट हो रहा है, तब भी आपको यूज़ वही करना है जो प्रोवर्ब में यूज़ हुआ है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से गेस करिए। चलिए अब मैं बता देती हूँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाव्ड हो जाएगा। मैं ऑप्शंस रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, वैसे भी आपको खुद ही रीड करने की प्रैक्टिस करनी होगी एग्ज़ाम में, आपको खुद ही रीड करना है। यहाँ पे इसकी हिंदी में बताते चलती हूँ। देखिए पाव्ड मीन्स होता है प्रशस्त, ठीक है, पक्का प्रशस्त एकदम। डेकोरेट मीन्स पता है सजाना। इनग्रेव्ड मतलब होता है उकेरा हुआ, ठीक है, उभार किया हुआ, उकेरा हुआ, ठीक है। और क्राउडेड मतलब आपको पता है, भीड़ भाड़ वाला। चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। लॉज ग्राइंड द ब्लैंक एंड रिच मैन रूल द लॉ। लॉज ग्राइंड द ब्लैंक, जो कानून है वो कैसे पीसता है, उसमें कौन पीसता है, ये तो आपको ऐसे ही पता चल गया होगा, ठीक है। और जो रिच मैन होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो तो राज करते हैं लॉ पर, कानून पर। तो कानून में कौन पीसता है, क्रिमिनल्स, पुअर, इनोसेंट, डेस्टिट्यूट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल पुअर हो जाएगा, गरीब, है ना, हमेशा गरीब आदमी ही पिसता है, कहते भी हैं लोग नॉर्मल वे में। इनोसेंट आपको पता है कि निर्दोष, क्रिमिनल भी आपको पता है अपराधी, एंड डेस्टिट्यूट का मतलब होता है निराश्रित, है ना, निराश्रित हिंदी से जिसे बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू ब्लैंक एन एलिफेंट। सबके लिए एलिफेंट को क्या करना पॉसिबल नहीं है। कीप अप, कीप अप विद, कीप इन, कीप ऑन। सो आपका टाइम बस इतना ही है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूंगी यहाँ पे। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीप अप मतलब रखना, है ना, पालना, जिसको आप कह सकते हैं। कीप अप मतलब अपने साथ रखना, अपने घर पे रखना। अब यहाँ पे हाथी रखना, कहते हैं ना हाथी रखना सबके बस की बात नहीं है, बस वही चीज़ है पर इंग्लिश से है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, उस समय संस्कृत पढ़ाते पढ़ाते प्रश्न वर्ड बहुत बोलने लगी, सो क्वेश्चन की ओर।
Our college building has a good blank. Our college building has a good blank. तो इसमें साइट होगा, ये तो फिक्स है, लेकिन कौन सा साइट होगा ये आपको बताना है. ये तो सीधे ही एलिमिनेट हो गया है. मैं इतनी हेल्प मैं आपकी कर सकती हूँ. साइड नहीं होगा, साइट होगा. कौन सा साइट होगा ये आपको डिसाइड करना है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, साइट. ठीक है, साइट ये कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. साइट मतलब वो पर्टिकुलर लोकेशन है ना, जहाँ पे कोई चीज़, कोई बिल्डिंग, कोई इमारत या कुछ भी है. देखिए अभी यहाँ लिटरेचर से आ गया है और लिटरेचर से बहुत क्वेश्चन आते हैं. शेक्सपियर इज इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज सम प्लेस. चूज द राइट वन फ्रॉम द फॉलोइंग. और फिर ये नाम लिखे हैं कुछ, तो आपको ये बताना है. एक्चुअली इसकी मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि शेक्सपियर जो जितने भी प्लेस लिखे हैं, तो अपने कुछ प्लेस के लिए, कुछ नाटक के लिए, कुछ ड्रामास के लिए, वो जो है इनमें से किसी एक के रीडी रहे हैं. रीडी का मतलब है कि इनमें से कुछ उन्होंने एज अ सोर्स यूज़ किया, इनमें से कुछ कंटेंट, कुछ सोर्स जो है लिया है, कुछ आइडिया लिया हुआ है. किससे लिया है तो चलिए देख लीजिए. सारा आया हुआ क्वेश्चन है, इसी तरह से घुमा के पूछता है एकदम एग्जाम में. तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, मैं बता दूँ, ऑप्शन नंबर बी, हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स. ठीक है, ये आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वॉज निक नेम्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट बाय हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट्स. स्पॉट द करेक्ट नेम ऑफ द पोएट. कौन सा पोएट है जिसका निक नेम रख दी, उसके जितने भी अंडर ग्रेजुएट फेलोज थे, जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, कॉलेज के फेलोज थे, उन्होंने उनका निक नेम क्या रखा था, द लेडी ऑफ क्राइस्ट. तो वो पोएट कौन से थे आपको ये बताना है. ऑप्शंस आर देयर, यू कैन सी. सो द राइट आंसर इज मिल्टन. राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मिल्टन थे. बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी इज अ सोनेट रिटन बाय. ये एक सोनेट है. सोनेट तो आपको सबको पता ही होगा, सोनेट क्या होती है, एक छोटी पोएम होती है. तो सोनेट है जिसका नाम है व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी. ये किसने लिखा है ये बताना है आपको. ऑप्शंस देख लीजिए. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अगेन मिल्टन, इन्होंने ही लिखा है. बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. आपका कितना सही होता जा रहा है काउंट ज़रूर करते जाएगा, इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है. क्योंकि कई बार होता है कि एग्ज़ाम के टाइम तक हमें लगता है कि बहुत तैयारी होगी, बट अभी समझ में आ रहा होगा क्योंकि पेपर यही आता है, मतलब ऐसा ही आएगा. विच प्ले द शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मालवोली. तो देखिए आप यहाँ पे बताना है कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ, किस शेक्सपियर के कौन से प्ले में एक किरदार था मालवोलियो, ये आपको बताना है उस प्ले का नाम. तो देखिए आपको मैं बता दूं कि शेक्सपियर एक ऐसे रचयिता थे कि जो वो खुद भी ड्रामा लिखते भी थे और खुद ही एक्टिंग भी करते थे उसमें. तो यहाँ पे देख लीजिए इसका सही आंसर होगा ट्वेल्थ नाइट. ट्वेल्थ नाइट इसका सही आंसर है, जिसमें एक कैरेक्टर है मालवोलियो. आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेविटी, ये क्या है, ये एक टाइटल लिखा है, एक शीर्षक लिखा है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी सॉरी. अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये सोनेट है, ऑडी है, मॉस्क है, ठीक है, ये क्या है आपको ये बताना है. तो देख लीजिए इसका सही आंसर फटाफट से. राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सोनेट है. अभी ऊपर भी सोनेट का जिक्र मैंने किया था, ये 14 लाइंस की छोटी पोएम्स होती हैं. और विलियम शेक्सपियर्स ने 154 सोनेट्स लिखे हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन. इनमें से ये जितने भी नाम लिखे हैं, जितने भी वर्क लिखे हैं, उनमें से कौन सा, किसकी रचना मिल्टन ने की है ये बताना है आपको. तो ऑप्शन सारे रीड कर लीजिए. और एक बात और कि एग्ज़ाम में आपको खुद ही रीड करना है, खुद ही समझना है और खुद ही सॉल्व करना है. तो थोड़ी सी रीडिंग की हैबिट डालिए, इसीलिए मैं आपको टाइम देती हूँ हर चीज़ रीड करने के लिए.
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है, नोवम ऑर्गेनम, ये राइट आंसर है, मिल्टन का वर्क है, बाकी नहीं है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए, कि टाइम बहुत वैल्यूएबल है और आपको ये जितनी क्वेश्चन है मेरे पास 125 नहीं और भी कलेक्ट किए हैं, उस पर वर्क कर रही हूँ, एग्जाम के पहले तक हर हाल में प्रोवाइड कराऊंगी आपको सारे क्वेश्चंस। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन, यस दिस वन, फिगर ऑफ स्पीच, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन द फॉलोइंग लाइन, एक लाइन दी है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, लाइन क्या है, रास्कल्स एंड रोस रैन अ रेस राउंड एंड रग्ड रॉक। साफ साफ देख के ही पता चल गया कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे, तो इस लाइन पे आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो देख लीजिए आपके पास ऑप्शंस भी हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिटरेशन, ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा इसके लिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आर जो है वो बार बार रिपीट हुआ है, ये भी चीज़ का आपको ध्यान देना है, और जो चीज़ों को सिर्फ चीज़ों को ही नहीं बल्कि मीनिंग्स भी ऑलमोस्ट, जैसे रास्कल्स एंड रॉक्स ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है इन सब की, ठीक है, इस तरह से यूज़ हुआ है आपका। अगर आपका फिगर ऑफ स्पीच क्लियर नहीं है तो फिर उसको एक बार पढ़ लीजिए, फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस 100% आने हैं, गारंटेड है वो। चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कम्प्लीट द गिवन प्रोवर्ब, प्रोवर्ब ये आप मेरे को यहाँ पे एक वर्ड फिल करना है जिससे प्रोवर्ब जो है कम्प्लीट हुआ है। एंड आई टोल्ड कि प्रोवर्ब्स में भले ही कोई दूसरा वर्ड भी उस पर सेट हो रहा है लेकिन फिल वही करना है जो प्रोवर्ब में है एक्चुअली। तो देख लीजिए, बार्किंग डॉग्स ब्लैंक बाइट, तो बार्किंग डॉग्स समटाइम्स बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, बार्किंग डॉग ऑलवेज बाइट, बार्किंग डॉग नेवर बाइट। तो मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर गेस किया होगा, और देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शेल्डम। शेल्डम मतलब होता है कभी कभी, तो भौंकने वाले कुत्ते जो होते हैं वो कभी कभी ही काटते हैं, इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं काटते या हमेशा काटते हैं या कभी कभी काट लेते हैं, यहाँ पे शेल्डम। वैसे भी एक्चुअली अगर कोई वर्ड फिट हो भी रहा है तो प्रोवर्ब आपका जो है उसमें शेल्डम लिखा है तो आपको शेल्डम ही यूज़ करना है, मतलब कि अभी आपको ये भी तैयारी करनी है अपनी प्रोवर्ब्स की। व्हाट इज़ द एंटोनीम ऑफ मैनली, मैनली का एंटोनीम बताना है, ऑप्शंस आ देयर, फटाफट से देखिए। मैं आपको बता दूं कि हर सुबह मॉर्निंग में 5 से 6 बजे के बीच में करीब मैं एक वर्ड्स ऑफ द डेज जो है वो अपलोड करती हूँ, जिसमें सिर्फ दो वर्ड एक दूसरे के, मतलब एक वर्ड होता है एक उसका एंटोनीम वर्ड होता है, और फिर इन्हीं वर्ड्स की जितनी इंग्लिश में मीनिंग हो सकती है उतनी मीनिंग्स मैं प्रोवाइड कराती हूँ आपको, विथ हिंदी मीनिंग विथ इंग्लिश मीनिंग, ठीक है। तो आपके डेली दो वर्ड्स के कई सारे साइनोनिम्स और आपस में एंटोनिम्स दोनों तैयार होते जाते हैं डेली बेसिस पे, एक दिन आप बैठ के याद करते हैं 100 दिक्कत होती है, डेली आप याद करते चलेंगे दो दो तीन तीन करके, तो आपका एंटोनिम साइनोनिम क्लियर रहेगा हमेशा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा इफेमिनेट, ठीक है, इफेमिनेट इसका एंटोनिम है, अपोजिट है, जिसका मतलब है कि मैनली, इफेमिनेट इसका मतलब होता है स्त्रीत्व, ठीक है, स्त्रीत्व, स्त्रैत्व जिसको आप कह सकते हैं, स्त्रैत्व करके, ठीक है, यह हो जाएगा इसका मतलब। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन द फॉलोइंग लाइन, देखिए एक लाइन दी है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो बताना है, एंड दिस इज़ वेरी इजी, अगर आपको फ्रेल्टी का मतलब पता होगा तो बहुत इजी है, अदरवाइज फिर टफ है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये फ्रेल्टी का मतलब होता है कमज़ोर, क्या कमज़ोर, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि कमज़ोर तुम्हारा नाम औरत है, यानी कि जो भी कमज़ोर है उसका नाम औरत है या फिर औरत का नाम कमज़ोर है, इस तरह से करके यहाँ पे बोला गया है इस चीज़ को, यानी कि
तुलना जो है कमजोर की तुलना किससे की, उसको एक नाम दिया गया है। कमजोर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, लेकिन उस पर इस तरह से उससे बात की जा रही है जैसे वो कोई पर्सन होते हैं। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, वीनस एंड एडोनिस, ये आपका इज अ पोएटिक कंपोजिशन, एक आपका काव्य संग्रह है, ऑफ अ पोएट हु वॉज अ ड्रामेटिस्ट ऑल्सो। एक ऐसे पोएट का कंपोजिशन है, पोएटिक कंपोजिशन है, जो कि एक ड्रामेटिक मतलब कि नाटककार भी रहा है। वो कौन है आपको इसमें से बताना है। अब या तो आपको रचना का नाम अगर पता हो, ये किसकी रचना ये पता होगा तो बन जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल इसका आंसर आई थिंक सबने सही गेस किया होगा। विलियम शेक्सपियर जो है वही इसके रचनाकार हैं, और वो एक आपको पता है वो प्लेस के लिए ही फेमस है। अगला क्वेश्चन हमारा, फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, दिस लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज़ अ रेफरेंस टू। ब्राउनिंग की ये लाइन, ब्राउनिंग आपने लिटरेचर पढ़ा तो आप इनके बारे में जानते ही होंगे, उनकी ये लाइन एक्चुअली किसको डेडिकेटेड है, उन्होंने किसके लिए कही है, रिफर किसको की है, किसके लिए ये लाइन यूज की है। तो देख लीजिए ऑप्शन आ गया। राइट आंसर आपका ही जाएगा वर्ड्स वर्थ, विलियम वर्ड्स वर्थ के लिए ये लाइन यूज की गई है। कितना डीप आता है एग्जाम में, है ना। और ये TGT का ही पेपर है, ये UP TGT का ही पेपर से ही एक एक क्वेश्चन है, कुछ भी अलग से नहीं है। अ बेंड इन द गंगा गैंग्स, अ बेंड इन द गैंग्स इज अ वर्क ऑफ, ये किसकी रचना है आपको ये बताना है। अ बेंड इन द गैंग्स, तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शंस है सारे। राइट आंसर, चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोहर मलगोनकर। अ बेंड इन द गैंग्स मनोहर मलगोनकर का की रचना है, उनका वर्क है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ वर्ड इनवैल्यूएबल, ऐसा वर्ड यहाँ से पिक करना है, मतलब साइनोनिम बताना है आपको इनवैल्यूएबल का। साइनोनिम डेली सुबह देती हूँ, अगर आप नहीं देखते हैं तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है, पर अगर जो लोग रेगुलरली देख रहे हैं उनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन हो चुका होगा वर्ड्स का। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 29 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राइस लेस, यानी जिसकी कोई कीमत ना हो, अमूल्य हो, इनवैल्यूएबल हो। बस आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी ये आपके आज के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, शुरू के 10 क्वेश्चन हमने स्किप किए थे, पैसेज वाले हमने 11 से स्टार्ट किया था। चलिए देखिए, द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सॉरी सेंटेंस हैज़ अ ब्लैंक स्पेस एंड फोर वर्ड्स गिवन आफ्टर द सेंटेंस, सेलेक्ट विच एवर वर्ड यू कंसिडर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, सारे ही वर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन आपको सबसे परफेक्ट वर्ड, सबसे बेहतरीन वर्ड जो यहाँ पे आना चाहिए वो क्या है लगता है इनमें से। तो पहले सेंटेंस को रीड करेंगे। द डॉक्टर सेड दैट अ स्मॉल डेली ब्लैंक ऑफ द न्यू ड्रग वुड सून क्योर हिम, कि डॉक्टर ने कहा है कि छोटी, अब किस चीज़ की, रोज थोड़ा सा या छोटी से, क्या स्मॉल का मतलब यहाँ थोड़ा से है, क्या नए ड्रग यानी कि जो दवाई है उसको उसको ठीक कर देगी, जल्दी ठीक कर देगी। लेकिन वो यहाँ पे क्या आएगा, जब ये आएगा तभी आपका ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो यहाँ टैबलेट आ सकता है, अ स्मॉल डेली टैबलेट ऑफ न्यू ड्रग, पिल ऑफ न्यू ड्रग, डोज ऑफ न्यू ड्रग, क्वांटिटी ऑफ न्यू ड्रग। तो सबसे परफेक्ट यहाँ पे जो वर्ड फिट हो रहा है वो है डोज। डोज ही तो कहते हैं, मॉर्निंग वाले जो मेरे वर्ड्स होते हैं उसका भी नाम मैंने लिख रखा है लर्निंग डोज, है ना। डोज मतलब जो रेगुलर बेस पे आपको दिया जाए। तो फटाफट से आप कमेंट करके, आप पहले सबसे ये बताइए कि कितने आंसर्स आपके राइट हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए, रॉन्ग मत बताइए, राइट बताइए। एंड वन मोर थिंग, कि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसके आगे के भी जो ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं वो सब अब नेक्स्ट प्रोवाइड कराऊंगी आपको अगले MCQ अगले मॉक टेस्ट में, और ये सारे ही क्वेश्चन कराने वाली हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिलते जाएं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।